चलो, हम लोग हमने आरएलबीपी देखा था, ठीक है। आज हम सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। अब सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारा? सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। अब देखिए कि नाम का मतलब क्या है। तो मेरे पास एक सल्यूट है, ये हमारा सॉल्यूट है। सॉल्यूट कैसा है? तो नॉन वोलाटाइल है, ठीक। क्योंकि हम अभी जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ये सब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए पढ़ रहे हैं। और एक में हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है, जो वोलाटाइल है। अब देखिए, इसको अगर हम बॉयल करेंगे तो ये किसी टेम्परेचर पे बॉयल होगा। बॉयल्स एट सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है। अगर मान लीजिए पानी ही है हमारे पास और पानी को हम खौला रहे हैं, तो वो किसी खास टेम्परेचर पे ही खौलता है। ऐसा नहीं कि गैस चालू करते ही पानी खौलना चालू कर देता है, ठीक है। वो एक परफेक्ट टेम्परेचर है, जिसको हम 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, उस पे ही वो खोलेगा। तो उसका वो बॉइलिंग पॉइंट है, वो बॉइल करेगा कहाँ पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो हर एक लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे वो बॉइल करता है, ठीक है। तो इस जगह पे आप देखो, अगर ये बॉइल करेगा तो हम इसको लिख सकते हैं टीबी नॉट। क्यों? नॉट हम किसके लिए यूज करते हैं? तो प्योर फॉर्म के लिए हम यहाँ पे नॉट यूज करते हैं, ऊपर में पावर में 0। टी है टेम्परेचर, बी है बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अब इसका हम तैयार कर लेंगे सोल्यूशन, ठीक। तो क्या होगा कि जब हम सोल्यूशन तैयार करेंगे, तो ये मेरा मान लो पानी है, ये मान लीजिए सॉल्वेंट है, या पानी है जो कह लीजिए। अब इस जगह पे हमारा जो सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट आएगा। तो कैसा सॉल्यूट? सॉल्यूट है हमारे पास नॉन वोलाटाइल, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है, और ये हमारा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल। देखो, रेड वाला सॉल्वेंट है और ब्लैक वाला आपका सॉल्यूट है, ठीक है। मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ, दिस इज सॉल्वेंट और ये आपका सॉल्यूट। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉन्डिंग देखने को मिल सकता है हमको। देखो, या तो बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, या फिर बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ दोनों कंडीशन लिख देता हूँ, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। ये दो चीज है। अब इस टॉपिक का नाम का मतलब क्या है? अब देखो इस जगह पे कि इसको मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट को हम हीट कर रहे हैं, तो हमको क्या दिख रहा है? एक टेम्परेचर दिख रहा है, जहां पे ये खोलना चालू हो गया, मतलब बॉयल होना चालू हो रहा है। अब सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन को भी हम हीट करके देख सकते हैं। मान लीजिए हम सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे वेपर्स क्रिएट होगा। तो यहाँ पे भी हमको प्रेशर दिखने को मिलेगा, ये एक वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी एक वेपर प्रेशर हमको देखने को मिलेगा, ठीक। तो सॉल्यूशन का ये जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का ये कम होगा किससे? तो वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म से। एक मिनट होल्ड करेंगे, ठीक है। वेपर प्रेशर किससे कम होगा? तो प्योर फॉर्म से, या फिर यू कह लीजिए तो सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर इसका कम होगा। तो ये सब एक एक करके क्यों ऐड हो रहा है?
अब देखो, मान लीजिए कि हमारे पास जो कंडीशन है प्योर फॉर्म का, सॉल्वेंट का, अब मैं यहाँ पे कहूँ कि जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर सपोज करो स्टार्टिंग में 1.8, या फिर मैं इसको लिखता हूँ 0.5 atm, ठीक। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए, ये मान लो इससे कम होगा, तो सपोज कीजिए 0.3 atm है, ठीक है। सॉल्यूशन का 0.3 atm और सॉल्वेंट का 0.5 atm, ठीक। तो दोनों के वेपर प्रेशर में फर्क है। अब मुझे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब अगर मुझे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ाना हो, मान लीजिए 0.3 atm सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है, इसको हमको बढ़ा के 0.5 atm करना हो, ठीक। तो 0.5 atm करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो 0.5 atm करने के लिए हमको इस सॉल्यूशन का जो हीटिंग है उसको और बढ़ाना होगा, टेम्परेचर को और बढ़ाना होगा, ठीक। तो दो कंडीशंस अराइज होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग का क्राइटेरिया, एक होता है नॉन बॉन्डिंग का क्राइटेरिया। बॉन्डिंग का क्राइटेरिया क्या है कि अगर सॉल्यूट, और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सॉल्यूट सॉल्वेंट में नाम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, देखो मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ सॉल्यूट को, सॉल्यूट को बी से दिखाएंगे और सॉल्वेंट को ए से दिखाएंगे, ठीक है। तो बॉन्डिंग होगा तो ए और बी का बॉन्ड बनेगा, ठीक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अगर बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग होगा तो इन दोनों का कोई भी बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगर बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग जितना स्ट्रांग होगा, हमको ये बॉन्ड तोड़ने के लिए उतना ज्यादा हमको यहाँ पे एनर्जी, या यू कहे तो उतना ज्यादा हमको टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अगर बॉन्डिंग होगा तो उतना ज्यादा हमको टेम्परेचर देना होगा, उतना ज्यादा हमको यहाँ पे ताकत लगेगा, एनर्जी लगेगा, ताकि हम वेपर क्रिएट कर सके। और अगर नॉन बॉन्डिंग रहेगा तो नॉन बॉन्डिंग का क्या क्राइटेरिया है, तो जो सॉल्यूट है वो ऊपर का, इस जगह पे देखो जो सॉल्यूट है वो क्या करते हैं, ये ऊपर वाला सरफेस को घेर के रखता है, ठीक है, मतलब वहां पे सरफेस एरिया को कवर कर देता है, जिसके वजह से वेपर प्रेशर नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। तो नॉन बॉन्डिंग का ये क्राइटेरिया है, बॉन्डिंग का ये क्राइटेरिया है। अब अगर मुझे 0.3 atm से प्रेशर को इंक्रीज करना हो 0.5 atm पे, तो मुझे क्या करना होगा, टेम्परेचर को यहाँ पे, सोल्यूशन के टेम्परेचर को यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक। तो इंक्रीज कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर है हमारे पास, एक मिनट मैं इसको ज़ूम करके लिख देता हूँ ताकि क्लियर रहे अपने को। मान लीजिए कि जो टेम्परेचर है ये यहाँ पे हमारे पास है, अगर हम वाटर ही ले रहे हैं तो दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है, जो टी बी मैं लिखूंगा, दैट इज टी बी, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, तो मान लो ये यहाँ पे हमारे पास है 98 डिग्री सेल्सियस, ठीक। देखो टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, एक दो टेम्परेचर, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस बहुत होते हैं इंडस्ट्री में, 1 डिग्री सेल्सियस बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 डिग्री का फर्क लिखा है। देखो लिखने में हमको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, मतलब 98 और 100 में ज्यादा फर्क नहीं है, 2 ही डिग्री का तो फर्क है, हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखने जाए तो ये 2 डिग्री बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। 2 डिग्री कम करने में ही पसीने छूट जाते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो टेम्परेचर मेरा डिक्रीज कर गया, अब मुझे प्रेशर इंक्रीज करना हो, वेपर प्रेशर, तो मैं क्या करूंगा, हीट सप्लाई करूंगा। तो हीट सप्लाई करने का मतलब है कि मैं टीबी को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, टीबी को इंक्रीज कर रहा हूँ। कब तक इंक्रीज करूंगा, जब तक कि वेपर प्रेशर जो है वो 0.5 atm के बराबर ना हो जाए, ठीक। अगर मुझे सॉल्वेंट से कंपेयर करना है तो सॉल्वेंट के बराबर करना होगा, तभी तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो तब तक मैं टीबी का प्रेशर बढ़ इनके टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, तब जब तक कि मेरा वेपर प्रेशर जो है वो 0.5 के बराबर ना हो जाए। जब 0.5 के बराबर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम रोक देंगे इसको, ठीक।
तो यहां पे देखिए हमने क्या देखा, हमने इस जगह पे क्या देखा कि पहले मेरा बॉइलिंग टेम्परेचर कुछ और है 100 डिग्री सेल्सियस, बाद में मेरा बॉइलिंग टेम्परेचर कुछ और है, और वेपर प्रेशर को हमने मैनेज करने के लिए बॉइलिंग टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज कर दिया। ठीक, मतलब पानी का जो खौलाने का टेम्परेचर है वो हमने बढ़ा दिया। तो अब अगर पानी को खौलाने का टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है कि बढ़त, ठीक, किस डायरेक्शन में वो बढ़ रहा है। तो बॉइलिंग टेम्परेचर पे वो बढ़ रहा है, ठीक है, खोलने का जो टेम्परेचर है उस पे वो बढ़ रहा है, इसी को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारा, वो इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो देखिए एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे हमको ये देखने को मिल गया कि टीबी नॉट किसको कहेंगे, टीबी किसको कहेंगे, ठीक है। तो जो बदलाव आएगा, जो चेंज आएगा टेम्परेचर का, वो भी यहीं से हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम धीरे धीरे आगे देखते चले जाएंगे कि क्या क्या इस टॉपिक में है, क्या फॉर्मूला है, कैसे डिराइव होता है। अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगा। अभी तक जितना कुछ बताया यहाँ पे, किन्हीं कोई डाउट है तो पूछ लो, एक बार आप देख लीजिए सभी पॉइंट्स को ढंग से देख लीजिए। बाकी लोग सब पॉइंट्स एक बार ढंग से देख लो, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो क्लियर लिखिए ताकि मैं आगे चलूँ। देखो सब कोई अपना अपना ये लिखेंगे, ठीक है, डाउट है तो पूछिए, नहीं डाउट है तो नो लिखिए, सब कोई लिखेंगे जितने लोग क्लास में है, बहुत लोग तो जुड़ ही नहीं पा रहे हैं तब से। सब कोई लिखिए अपना अपना, एक दो जन लिखता है बाकी लोग सोया रहता है। ठीक है, जिनका अभी जस्ट ज्वाइन हुआ है, आप वीडियो को वापस से देखोगे और कोई डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। वैसे जो भी मैंने अभी बताया है वो फिर से बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला समझाने के लिए वापस समझाएंगे इसको। चलो एक काम, लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मैंने आपको समझा दिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो अब बॉइलिंग पॉइंट भी देख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है। वो आप सबको पता है कि हर लिक्विड जो है वो उसका खोलने का एक टेम्परेचर है। जैसे पानी खोलाइए आप तो वो किसी खास टेम्परेचर पे खोलेगा, ठीक है। उसी जगह पे अगर आप पानी और चीनी के घोल को खोलाइए वो एक टेम्परेचर पे खोलेगा, अगर आप नमक पानी को खोला रहे हैं तो वो एक टेम्परेचर पे खोलेगा, ठीक है। मतलब हर किसी का एक फिक्स टेम्परेचर है खोलने का, लेकिन जब हम सॉल्यूट ऐड करते जाते हैं तो ये जो खोलने का टेम्परेचर है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये फर्क होने लग जाता है, ठीक। तो कहता क्या है, बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वन मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड वॉट इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हमें पहले पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो हमने वहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिया था, 0.5 atm और 0.3, लेकिन बराबर करने के लिए हमने क्या किया, 0.5 atm हमने बराबर करने के लिए किया। तो बॉइलिंग पॉइंट कहते किसको है, जब आप घर पे मान लीजिए पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, और पानी गर्म करने के बाद क्या है, एक सेकेंड, ठीक है, मान लीजिए आप क्या कर रहे हो कि आपने एक बर्तन लिया है, वेसल लिया है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, H2O को गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक। तो जब आप हीट करना चालू करेंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे क्या होगा, ये इंक्रीज करना
चालू हो जाएगा, ठीक। अब इंक्रीज करना चालू हो जाएगा तो क्या है कि इसका किसी खास टेम्परेचर पर क्या होगा कि इसका भाप निकलना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब भाप निकलना चालू हो जाएगा तो यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स हमको देखने को मिलेंगे, वेपर के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये वेपर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, ये गैसेस जो है, ये गैस क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगाएंगे, जो हम पार्शियल प्रेशर पढ़ते हैं या वेपर प्रेशर पढ़ते हैं, वो ये यहाँ पे गैसेस प्रेशर लगाएंगे, ठीक। अब सपोज करो कि हम यहाँ पे हैं 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और जो प्रेशर है ये प्रेशर क्या है, तो ये प्रेशर हो रहा है आपका पॉइंट मान लो 6 atm, ठीक। अब हमने क्या किया, 90 से इसको इंक्रीज कर दिया 92 डिग्री सेल्सियस, और मेरा जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया 0.7 atm पे, ठीक है। अब मान लीजिए इसको 92 से इंक्रीज किया 94 डिग्री सेल्सियस, मेरा प्रेशर बढ़ गया 0.8 atm, ठीक। ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते हम कहाँ चले आए, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और मेरा जो प्रेशर हो गया वो हो गया 1.0 atm, ठीक। तो इस जगह पे ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है और ये जो 1 atm है, ये दोनों मिलके डिफाइन करते हैं इसको, इस बॉइलिंग पॉइंट को, ये डेफिनेशन है, ये दोनों पॉइंट इसको डिफाइन करते हैं। अभी कैसे डिफाइन करते हैं, तो आप देखो, देखो हम लोग जनरली क्या है, 0.6 अगर लिखते हैं तो राउंड फिगर में इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसको राउंड फिगर में हम कर देंगे 1। एक मिनट, हेलो, बोले कितना बजे जाइएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इस 0.6 को भी 1 atm लिखते हैं, 0.7 को भी 1 लिखेंगे, 0.8 को भी 1 atm लिख देंगे, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 90, 92, 94, 96, 98, ऐसे होगा, ठीक। तो 90, 92, 94 इन सब चीजों को हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो 100 डिग्री सेल्सियस है ये एग्जैक्टली कहाँ पे आया है, ये आया है यहाँ पे 1 atm पे। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वैसा टेम्परेचर जहां पे ये जो गैस है, ये जो वेपर है, इस वेपर का जो प्रेशर है वो किसके बराबर होना चाहिए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ये जो 1 atm है ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक, इसके बराबर। कौन सा टेम्परेचर, तो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर को हम कहेंगे क्या, इस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, इस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि हमने यहाँ पे वाटर एज एग्जांपल लिया है, ठीक है, वाटर को हमने एग्जांपल लेके माना है यहाँ पे, तो हम यहाँ वाटर के लिए लिखेंगे। लेकिन जनरली अगर कहें तो ये हर किसी के लिए बॉइलिंग पॉइंट ऐसे ही निकाला जाता है। क्लियर है यहाँ तक बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन, मेरे ख्याल से आपको रटने का जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। थर्मामीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ए कॉन्स्टेंट रीडिंग, डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, हर लिक्विड का अपना एक अलग ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। देन एग्जाम्पल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 373.15 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल कितना है, 78.1 डिग्री सेल्सियस, 351.1 केल्विन, ठीक है। ये दो ये एग्जाम्पल है।
देखो यहाँ पे एक सिंपल सा ग्राफ दिखाया गया है सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस का। ठीक, ग्राफ इस ग्राफ को ढंग से देखिए, ढंग से समझिए। इधर साइड में क्या है हमारे पास? वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास टेम्परेचर। अब वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हमारा कर्व बनाया गया है। हमने क्या क्या लिया था? सॉल्वेंट लिया था, ठीक है, सॉल्वेंट का हम प्रेशर देखे थे और सॉल्यूशन का हमने प्रेशर देखा प्लस टेम्परेचर देखा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, सॉल्वेंट लेंगे और सॉल्यूशन लेंगे। ठीक, अब सॉल्वेंट जो है वो प्योर फॉर्म में जब रहता है तो उसका वेपर प्रेशर भी प्योर फॉर्म में होगा, या यू कहे तो जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम बनेगा। ठीक, मैक्सिमम क्यों बनेगा? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो बॉन्डिंग है वो ए और ए के बीच में है, लेकिन यहाँ पे चले आए तो यहाँ पे बॉन्डिंग ए और बी के बीच में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस जगह पे बॉन्ड्स को तोड़ना आसान हो जाता है और यहाँ पे तोड़ना थोड़ा मुश्किल, जब हम बॉन्डिंग की बात करें। लेकिन जब हम नॉन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे सॉल्वेंट के केस में क्या है कि सॉल्यूट यहाँ नहीं है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूट नहीं है, लेकिन इस जगह पे सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो मेरा जो कर्व है, या यू कहे तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाएगा, सॉरी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा सॉल्यूशन के केस में। तो उसी चीज को ग्राफ में दिखाया गया। अब देखिए इसको अगर हम प्लॉट करें तो ये मुझे यहाँ पे देगा और ये मुझे यहाँ पे देगा, इस तरीके से इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर हम देखना चाहें तो। ठीक, लेकिन प्लॉट कहाँ पे किया गया है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्लॉट किया गया है, एक एटीएम प्रेशर या एक एटीएम बार पे प्लॉट किया गया है। तो इस कर्व में हम क्या देखते हैं, ये जो ग्रीन लाइन हमको दिख रहा है, ये कर्व हमारा एक एटीएम का कर्व है। यहाँ पे सॉल्वेंट कहाँ पे कट कर रहा है इसको? तो इस जगह पे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर है ये कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम वाटर को लें, और सॉल्यूशन है, ठीक, ये कहाँ पे कट कर रहा है? तो ये यहाँ से ज्यादा टेम्परेचर पे कट कर रहा है। ज्यादा टेम्परेचर कहने का मतलब है कि इस जगह पे मुझे बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा, जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो हमको यहाँ देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? तो सॉल्यूट के प्रेजेंट के वजह से देखने को मिलेगा, सॉल्यूट है इस वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ इसी तरीके से हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक नया चीज देखेंगे हम, डेल्टा टी बी। देखिए डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी क्या है? तो चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर, पहले कितना था अब कितना है, उस चीज को हम चेंज कहते हैं। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी नॉट हम कह लें माइनस टी बी कह लें। ठीक, टी बी नॉट जब बड़ा है टी बी छोटा है, इस वजह से हम इसे माइनस करेंगे। ठीक, चूंकि टेम्परेचर यहाँ पे हम नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये हीटिंग टेम्परेचर है, कूलिंग टेम्परेचर नहीं है, इस वजह से मैंने टी बी नॉट पहले लिया और टी बी बाद में लिया है। ग्राफ क्लियर है सबको? या ग्राफ एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं जया, वेपर प्रेशर सेम नहीं रहेगा, सेम हमको करना है तभी हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूट डालने से ही वेपर प्रेशर कम हो जाता है। जैसे देखो सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, घर पे ही अगर हम दूध गर्म करते हैं, ठीक है, जब जैसे देखो दूध जैसे ही ऊपर आने लग जाए, आप क्या करो उसमें हल्का सा पानी डाल दो, क्या होगा कि वो जो उफनता हुआ दूध है वो फट से जाके नीचे बैठ जाएगा। ठीक, और थोड़ी देर, थोड़े कुछ सेकंड खोलने के बाद फिर वो ऊपर आएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ सेकंड खोले या 1 मिनट खोले, लेकिन उसके खोलने के बाद ही वो ऊपर आएगा। तो होता क्या है कि हमने दूध दूध वहां पे मैक्सिमम है, तो दूध सॉल्वेंट हो गया और हमने जो पानी डाला वो हो गया सॉल्यूट। तो दूध जैसे ही, सॉरी पानी जैसे ही दूध में जाता है वो क्या करता है, उसके साथ बॉन्डिंग बनाना चालू कर देता है। तो वो क्या करता है, उसका प्रेशर डिक्रीज कर देता है। ठीक, मतलब दूध का जो प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर या वेपर प्रेशर जो कह लीजिए, वो उसको डिक्रीज करता है। फिर जब हम क्या करते हैं, फिर उसे कंटिन्यू हीट करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली अगर उसे हम हीट करते हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो फिर वो वापस से
अपने वेपर प्रेशर में चला आने लगता है। फिर वेपर प्रेशर तो नहीं कह सकते, इंटरनल प्रेशर आप कह लो, क्योंकि दूध है, दूध तो भाप बन के बहुत देर से उड़ता है, धीरे धीरे उड़ता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है सॉल्यूट का। तो जब आप सॉल्यूट ऐड करोगे तो आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और फिर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर मेरा वेपर प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है जय। और किसका डाउट है प्रियांशु? ग्राफ एक बार और देखो, ग्राफ क्या है यहाँ पे, ग्राफ दो चीजों के बीच में है। मैं फिर से इसको इरेज कर रहा हूँ, और यहाँ पे ग्राफ देखो दो चीजों के बीच में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, ठीक। वेपर प्रेशर हम सॉरी बॉइलिंग पॉइंट हम किस इस पे डिफाइन कर रहे हैं, तो 1 atm मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर पे हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक। तो एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे, मान लीजिए यहाँ पे देखो दो कंडीशन दिया, एक सॉल्वेंट का और एक सॉल्यूशन का। ये मान लो मेरा सॉल्वेंट है, ये मेरा सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और ये मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमको क्या डिफाइन करना है? बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करना है। अब क्या होगा कि ये वाटर है मान लो, तो वाटर का टेम्परेचर कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। अब सॉल्यूशन कब बनेगा? जब हम यहाँ पे सॉल्यूट ऐड कर दें। हम सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे सॉल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो 1 atm था, वो वेपर प्रेशर यहाँ पे घट जाएगा, मान लीजिए 0.8 atm हो जाए, ठीक है, 0.8 atm हो जाए वेपर प्रेशर मेरा घट गया। अब मैं क्या करूंगा, 0.8 atm से मुझे क्या करना है, 1 atm तक वेपर प्रेशर को लेके जाना है। तो मैं इसे क्या करूंगा, और गर्म करना चालू करूंगा, ठीक है, इसे और गर्म करना चालू करूंगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, या यू कहे तो बॉइलिंग टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर कुछ भी कह लीजिए, वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करेगा तो देखिए टेम्परेचर यहाँ जो टीबी है, ये टीबी किस डायरेक्शन में है, तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर के डायरेक्शन में है, ठीक। तो टीबी जो है वो टीबी नॉट से ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के वजह से। तो इसी चीज को यहाँ पे ग्राफ में दिखाया गया है कि जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, एलिवेशन का मतलब है बढ़ जाना, ठीक है। अभी क्लियर है ग्राफ? देखो सॉल्वेंट आपका फिक्स टेम्परेचर पे बॉयल होगा, क्यों? क्योंकि सॉल्यूट हमने नॉन वोलाटाइल लिया है, सॉल्यूट अगर नॉन वोलाटाइल है तो वो वेपर कहाँ से बनाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो चीनी और पानी को आप गर्म कीजिए, तो आप बहुत अपने घर पे भी एक एग्जाम्पल कर सकते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है। आप कोई बर्तन में चीनी और पानी ले लो, उसे बहुत देर तक खौलाओ, ठीक, तो आपको लास्ट में सिर्फ और सिर्फ कार्बन मिलेगा, बाकी जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है वो भाप बन के निकल जाएगा। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है तो वो इस तरीके से टूट जाता है और अलग अलग हो जाता है, पानी तो भाप बन के निकलेगा ही और साथ में ये सभी भाप बन के निकल जाएंगे। तो आप धीरे धीरे कर क्या रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले जा रहे हो, ठीक है। मतलब जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, चाहे आप कार्बन का कह लीजिए, हाइड्रोजन कह लीजिए, ऑक्सीजन कह लीजिए, जो शुगर में मिलेगा, चीनी में मिलेगा, और जो वाटर में मिलेगा, ये सब आप क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, वैसे वैसे आपका वेपर प्रेशर भी क्रिएट होगा। तो वेपर प्रेशर कैसा क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, 1 atm पे, क्यों? क्योंकि आप जो घर पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप उसका ढक्कन खुला रखेंगे, ठीक है, आप उसके ऊपर कोई भी प्लेट नहीं रखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, तो जो वेपर क्रिएट होगा वो एटमोस्फेरिक वेपर के बराबर होते ही एटमोस्फेयर में जाके मिल जाएगा, मतलब आपके हवा में, घर के हवा में जाके मिल जाएगा। पानी का अगर भाप हवा के बराबर हो गया वेपर प्रेशर, तो वो हवा मिल जाएगा, हाइड्रोजन का हो गया तो वो मिल जाएगा, ऑक्सीजन का हो गया तो वो मिल जाएगा, लेकिन कार्बन जो है, कार्बन आपको प्योर फॉर्म में वहां दिखने वाला है, क्योंकि कार्बन गैसियस स्टेट में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर। हालांकि इसके वजह से आपको घर पे बहुत डांट पड़ेगा, हो सकता है पिटाई भी पड़ जाए, क्योंकि आप बर्तन को कर दोगे पूरा का पूरा काला, धोने के लिए मम्मी तो रहेगी नहीं।